आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही खास न्यूज़ देने वाले हैं कि योगी जी ने क्या कहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तलाक को लेकर के कुछ योगी जी ने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम जानेंगे, अपडेट जो भी आई हुई है वो आप लोगों को बताई जाएगी। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और मनरेगा मेट की जिसने वीडियो अभी तक नहीं देखी है ट्रेनिंग की, तो जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, चेक जरूर करना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ अपडेट देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बड़ी पहल, ब्लॉक प्रमुख को पत्र लिख कही यह बात। चलिए देख लेते हैं क्या जानकारियाँ आई हुई हैं, सीएम योगी ने क्या कहा है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मनरेगा मेट की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। 9 अगस्त से हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग हो रही है, अभी कल भी ट्रेनिंग है इसकी, ठीक है। कल नहीं, आज भी ट्रेनिंग है, यानी कि 2 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है। अभी 2 दिन की है, अब देखते हैं आगे कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, हो सकता है 3 दिन की भी हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस दिन हमने आपको बताया 9 अगस्त को थी, 10 अगस्त को भी हमारे यहाँ पर थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, और आप जाकर के पहले बात तो वीडियो देख लीजिए और अपने यहाँ संपर्क कर लीजिए जिसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। और जिसको बुलाया गया है ट्रेनिंग के लिए फ़ोन करके, समझ लीजिए उसी का चयन हुआ है, नहीं तो चयन नहीं हुआ है अगर आवेदन किए हैं तो, इसीलिए आपके पास फ़ोन नहीं आया है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कि ट्रेनिंग कैसे होती है मनरेगा मेट की, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं सब कुछ लाइव हम आपको दिखाएंगे, और काफ़ी कुछ सीखने को भी आपको जानने को भी मिलेगा महिला मेट अगर बनना चाहती हैं तो, ठीक है। चलिए हम इस बारे में पहले बात कर लेते हैं जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुख को पत्र लिखकर विश्वास जताया कि क्षेत्र पंचायतें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कार्य करेंगी। पत्र में लिखा है कि सूबे की क्षेत्र पंचायतों को राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग के तहत करीब 2500 करोड़ की धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। ये अपडेट 8 अगस्त की है, ओके। तो ये देख लीजिए जानकारियाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए बड़ी पहल की है। अब विकासखंड यानी ब्लॉक भी क्षेत्र पंचायत विकास योजना बनाएंगे। निर्देश है कि क्षेत्र पंचायत को अपने यहाँ उपलब्ध सभी संसाधनों का संज्ञान लेकर योजना बनानी होगी ताकि उसी के अनुरूप विकास का कार्य तेजी से कराया जा सके। प्रदेश के सभी 826 ब्लॉक में इसी वर्ष से योजना बनाई जाएगी। आगे हर वर्ष योजना का खाका खींचा जाता रहेगा, यानी योजना को 1 साल में ही अमल में लाना होगा। और त्रिस्तरीय चुनाव में ग्रामीण तीनों पंचायतों के प्रतिनिधि व ग्राम प्रधान चुनते आ रहे हैं। अभी तक गांव के विकास की असल जिम्मेदारी ग्राम पंचायतें ही उठा रही थी कि क्षेत्र व जिला पंचायतों का छिटपुट योगदान रहता है, जबकि पंचायती राज देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में तीनों पंचायतों को जनहित में कार्य कराने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर गांव के विकास पर है। वह 23 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों को व्यक्तिगत पत्र लिख चुके हैं। इसमें कहा गया था कि सरकार पंचायतों को 2500 करोड़ की बड़ी सौगात दे रही है, ठीक है। चलिए आगे अपडेट देखते हैं। तो ये रही आपकी दूसरी अपडेट, उसी की अपडेट है, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब क्षेत्र पंचायत प्रमुख ब्लॉक प्रमुख को पत्र लिखा है। इसमें निर्वाचन की बधाई और जिम्मेदारी बताते हुए विश्वास भी जताया है। क्षेत्र पंचायत संबंध उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे। पत्र में लिखा है कि सूबे की क्षेत्र पंचायतें को राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग के तहत करीब 2500 करोड़ की धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है। इस धन से गाँव की अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि ग्राम पंचायतों की तरह अब क्षेत्र पंचायतों को भी विकास योजना इसी वर्ष से बनानी है, ठीक है। आगे हर साल योजना बनाई जाएगी। उन्होंने
विश्वास जताया कि क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए पेयजल व स्वच्छ भारत मिशन यानी कि SBM जिसको कहते हैं के तहत सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में उपलब्ध धनराशि के 50% का धन व्यय होना है। उन्होंने शुभकामना देते हुए भरोसा जताया कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय व मानव संसाधन का उपयोग करते हुए तेजी से विकास क्षेत्र में क्षेत्र पंचायतें योगदान दें। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेट वाली वीडियो देखना ना भूलना, ठीक है। अभी कल ही मैंने बहुत ही इमरजेंसी में अपलोड की थी जल्दबाजी में, और जाकर के चेक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।